हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन्हे किड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैथ्स डेली वर्कशीट पार्ट टू। इससे पहले मैं पार्ट वन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस तीनों सब्जेक्ट की वर्कशीट बनाई है। इस तरह की वर्कशीट बनाकर आप अपने बच्चों की रिविजन करवा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट, मैथ्स वर्कशीट। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर इन द शेप। तो ये कौन सी शेप है पहले बच्चों को ये पूछना है। तो ये है हमारी सर्कल। तो सर्कल में कितने साइड्स होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं। तो सर्कल में कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता, तो नो साइड नो कॉर्नर। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, सॉल्व एंड राइट द नंबर नेम 6 2 12। तो यहाँ बच्चों को 12 लिखना है। 3 5 15, 4 10 40, 5 9 45। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, मीना हैज 12 बुक्स, मोहित हैज 9 बुक्स। तो मीना के पास 12 बुक्स हैं और मोहित के पास 9 बुक्स हैं। तो मोर देन का साइन हमारा 12 की तरफ आएगा, क्योंकि 12 इज अ मोर देन 9। व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर, या व्हाट्स कम आफ्टर बिफोर करना है, 25 आफ्टर 26। इस वर्कशीट के थ्रू आप बच्चे के एक ही बार में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवा सकती हैं। 39 आफ्टर 40, 47 आफ्टर 48, 63 आफ्टर 64। बिफोर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, 23 बिफोर 22, 49 बिफोर 48, 50 बिफोर 49, 68 बिफोर 67। यहाँ मैंने एडिशन भी दिया हुआ है, 100 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा 101। बच्चों को इसी तरीके के एडिशन आप करवा सकते हैं ताकि उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो। 200 प्लस 20, 100 के प्लेस पे 2 आएगा, 10 के प्लेस 2 आएगा और 1s के प्लेस पे 0। इसी तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसको किस तरह से ऐड करना है। 100 प्लस 20 प्लस 5, 100 के प्लेस पे 1, 10s के प्लेस पे 2 और 1s के प्लेस पे 5। इसी तरीके से 10 प्लस 10 20। नेक्स्ट आता है हमारा ऑड एंड इवन नंबर। इन दोनों का भी पेयर बन गया, इनका भी पेयर बन गया और ये सिंगल रह गया। इट मीन्स ये हमारा ऑड नंबर है। जिन चीज़ों का ग्रुप बन जाता है वो हमारी इवन नंबर होते हैं और जिनका ग्रुप नहीं बन पाता वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे ये 2 का ग्रुप, ये भी 2 का ग्रुप और ये सिंगल रह गया 1, तो इट मीन्स ये ऑड है। यहाँ 2 का ग्रुप बनाते हैं, यहाँ भी 2 का ग्रुप बन गया और ये भी 2 का ग्रुप है, इट मीन्स ये इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो फिफ्थ डे कौन सा होता है हमारा, थर्सडे। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। 1 2 3 4 5 5 10s 1 2 2 1s 1 2 3 3 10s 1 2 3 3 1s। इस वर्कशीट की हेल्प से आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम स्पेस में आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, जैसे शेप्स, मल्टीप्लिकेशन, नंबर नेम, ग्रेटर देन लेस देन, व्हाट्स कम आफ्टर बिफोर, एडिशन, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, वीक नेम, मंथ्स नेम, टेंस और वंस एबेकस के थ्रू करवाने की कोशिश करी है। सेकंड वर्कशीट है हमारी इंग्लिश। यहाँ बच्चों को वोवल्स फिल करके वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ कौन सा वर्ड बनेगा, फ्रॉग, तो यहाँ पर आएगा हमारा ओ। यहाँ है मिल्क, तो यहाँ पर आएगा आई। हैंड, तो यहाँ हम ए लिखेंगे, ए वोवल का यूज़ करेंगे। नेक, तो यहाँ पर ई वोवल का यूज़ होगा। इसी तरीके से नाउन, बच्चों को बताना है कि ताजमहल प्लेस है, पर्सन है, थिंग है, तो ये ताजमहल हमारा प्लेस है। डॉक्टर पर्सन और बुक हमारी थिंग। जेंडर नेम करने हैं यहाँ, हैन, तो हैन का जेंडर होता है कॉक। गर्ल, बॉय, किंग, क्वीन, फादर, मदर। यूज ऑफ हैज़ हैव, अब बच्चों को हैज़ और हैव करवाएंगे हम। आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, यू के साथ हैव, शी के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, वी के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और इट के साथ भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं।
जब आप बच्चों को डेली इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसको माइंड में फिक्स होगा कि आई यू वी और दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और ही शी इट के साथ हम हैज का यूज़ करते हैं। प्लूरल नंबर, मैन का प्लूरल होता है मैन, यहाँ पर ए को हम ई में चेंज कर देते हैं, ऑक्स ऑक्सन, माउस माइस, डियर डियर का प्लूरल यहाँ डियर ही रहेगा, फॉक्स फॉक्सेस, टॉय टॉयज, सिंग सिंग हमारा एक्शन वर्ड है, आंट आंट हमारा एक्शन वर्ड नहीं है, गन ईट ईट एक्शन वर्ड है, वॉच प्ले। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एडवर्ब से रिलेटेड है, एलवाई लगा के एडवर्ब बनानी है, सॉफ्ट तो यहाँ बन जाएगा सॉफ्टली, लाउड लाउडली, बैड बैडली, स्लो स्लोली, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ बच्चों को बताना है कि कौन सी चीज़ काउंटेबल होती है और कौन सी अनकाउंटेबल होती है। वाटर, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एप्पल हमारा काउंटेबल नाउन है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, फैन फैन को हम काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, एयर एयर को हम काउंट नहीं कर सकते ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, टॉय टॉय को हम काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी ईवीएस, तो चलिए फर्स्ट लेसन है हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो बच्चों को यहाँ पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने हैं कोई भी फोर, जैसे लेग आई नेक नोज। सेकेंड है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर, यहाँ बच्चों को बताना है कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो ग्राउंड वाटर आता है हमारा वेल, सरफेस वाटर वर्ड से मैच होगा, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर होता है हमारा रेन, सिटीज में हम क्या यूज़ करते हैं टैप्स। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेफ्टी ऑन रोड, बच्चे को रोड पर चलते टाइम किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर प्ले ऑन द रोड, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, कौन कौन सी जगह होती है जहाँ हमें पूजा या प्रार्थना हम करने के लिए हम जाते हैं, तो फर्स्ट है हमारा टेम्पल, सेकेंड है मॉस्क्यो, थर्ड है गुरुद्वारा, फोर्थ है चर्च। नेक्स्ट है हमारा अवर नेबरहुड्स, जो भी हमारे घर के आसपास प्लेस होते हैं वो हमारे नेबरहुड में आते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड से रिलेटेड, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव, हमें जीवन जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। नेम द मील्स विच वी हैव इन अ डे, तो हम फर्स्ट क्या करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, तो हमें फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है, एनिमल प्लांट्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं बच्चों को। मैं आपको इस तरीके की डेली वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि और आप घर पर ही बच्चों का इस तरीके से सिलेबस कवर करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे बेस्ट जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो होता है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं आप, सेकेंड है टेलीविज़न एंड थर्ड हमारा कम्युनिकेशन है रेडियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स से रिलेटेड, यहाँ बच्चों को वाइल्ड डोमेस्टिक एंड एनिमल्स लिखने हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हमारे लॉयन टाइगर, डोमेस्टिक एनिमल होता है हमारा काऊ, गॉट फ्रॉग जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, टर्टल। तो गाइज ये थी हमारी आज की डेली वर्कशीट डे ऑफ सेकेंड, आई होप ये वर्कशीट आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहे और आप इस तरीके से अपने बच्चों को प्रैक्टिस घर पर करवा पाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जिनके बच्चों को ज़रूरत है इस टाइम पर इस तरीके की वर्कशीट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।